वैशाली नगर कॉलेज में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की पहल से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एम्स रायपुर के सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। शिविर का लाभ भिलाई के अलावा अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए मरीजों द्वारा उठाया गया। शहरवासियों को निःशुल्क उच्च स्तरीय स्वास्थ्यगत चिकित्सा सेवा प्रदान करने वैशाली नगर कॉलेज कैंपस में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में एम्स रायपुर के सभी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे की पहल से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भिलाई के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से आए मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर डॉक्टरों से परामर्श लेकर दवाएं ली। शिविर के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। सांसद सरोज पांडे ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नागरकर एवं अन्य चिकित्सकों के साथ शिविर स्थल का निरीक्षण किया। सांसद ने शिविर में आए मरीजों से उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी परेशानियों की जानकारी लेकर डॉक्टरों के पास भेजा, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। शिविर में स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की और मरीजों का उपचार किया। शिविर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार दिशा निर्देश देते नजर आए। शिविर की जानकारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश पांडे, स्पर्श हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सावंत, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रतन तिवारी ने दी। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं आज वो इस शिविर में हैं और छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे विशेष तौर पर वैशाली नगर क्षेत्र की जनता, जिन्हें कोई समस्या हो, जो एम्स तक नहीं पहुंच पाते हो या जो रायपुर के डॉक्टरों को नहीं पहुंच पाते हैं, उन सभी डॉक्टरों के लिए डॉक्टरों को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है और आज इस चिकित्सा शिविर इसी उद्देश्य के साथ में किया गया है। कई बार बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं, जा नहीं पाते हैं और वो बाद में बड़ी व्याधि का रूप ले लेती है। हमारी काया निरोग रहे इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए आज इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। एक बड़ा एम्बुलेंस भी दे रही है जो लोगों को पहुँचा सके, क्या अन्य सुविधाएं दे सकते हैं? छोटी छोटी समस्या रहती है, कहीं ब्लड टेस्ट है, कभी शुगर है, बीपी है और बाकी जो छोटी समस्याएं हो, कम से कम वो हफ्ते में एक बार इस क्षेत्र में घूम सके, इसलिए हमने एक अपनी सांसद दीदी से यहाँ पे एम्बुलेंस देने की बात कही है, जो जिससे लोग वहाँ पर जाके अपने टेस्ट करा सकते हैं, उसमें डॉक्टर अवेलेबल होंगे और अगर उससे कहीं ज़्यादा उन्हें ले जाना हो तो उन्हें उचित स्थान पर हम पहुँचा सकें, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे सकें। निसंदेह एम्स हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन यह भी सच है कि भिलाई से उसकी दूरी काफ़ी है। आज एम्स के इतनी व्यस्तता के बाद में भी टीम यहाँ पर आई है, सभी प्रमुख डॉक्टर्स आए हैं, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी बात और भी है कि हमारे यहाँ जो चिकित्सा संस्थान हमारा स्पर्श हॉस्पिटल है, उसकी टीम ने आज बहुत सहयोग किया है। मैं आपके माध्यम से उस अस्पताल के प्रबंधन और सभी टीम को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हमारा शहर भी और हमारे डॉक्टर्स भी किसी भी मामले में सेवा में पीछे नहीं है। धन्यवाद सर। जैसे आज एम्स के डॉक्टरों द्वारा यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, अन्य भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की कोई योजना विशाल शिविर को लेकर? हमने ये तय किया कि हर महीने एक शिविर होगा, तारीख तय नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमको एम्स के डॉक्टर्स का समय मिलेगा उस प्रकार से हम शिविर लगाएंगे, लेकिन हर महीने आज जो पेशेंट यहाँ पर देखे जा रहे हैं एक महीने के बाद में उनको उनके फॉलो अप के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर सावंत हूँ, मेडिकल डायरेक्टर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज ये कैंप राकेश पांडे जी और सरोज पांडे मैडम के नेतृत्व में यहाँ लगाया गया है। ये स्वास्थ्य शिविर है, बहुत अच्छा शिविर है, बहुत भीड़ है और हमारा सौभाग्य है कि हमको एम्स और बाकी डॉक्टर्स के साथ स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी की, हमारी सुपर स्पेशलिटी की भी टीम आई हुई, सब आए हैं और हमको यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और मरीज बहुत है, इस वजह से हमको बहुत मज़ा आ रहा है काम करने। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि भिलाई क्षेत्र के वैशाली नगर की जगह पर आज एक विशाल शिविर का आयोजन हमारी दीदी आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे नेता श्री राकेश पांडे जी के नेतृत्व में विशाल शिविर का आयोजन वैशाली नगर क्षेत्र में किया जा रहा है। ऐसी सोच है हम सभी की कि
इस विशाल शिविर में, चिकित्सा शिविर में जो कि निःशुल्क है, यहाँ पर मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है। ऐसा पहली बार भिलाई के क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे एम्स के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मरीज देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। आज हमारा ये विचार है कि वैशाली नगर जैसी जैसे क्षेत्र में जो थोड़ा सा पिछड़ा ही कहलाता है, वहाँ पर निःशुल्क इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर का हम आयोजन कर रहे हैं। हमारी ये मंशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को भी एम्स के जैसे संस्थान के सुपर संस्थान के जो चिकित्सक हैं, अति विशेषज्ञ चिकित्सक, वो यहाँ पर स्वयं सेवाएं देने के लिए आए हैं और हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हम सिर्फ यहाँ के एक दिवसीय शिविर पे ही आधारित नहीं है, यहाँ के जो भी मरीज निकलेंगे, यदि उनको ऑपरेशन की आवश्यकता हो या और किसी आगे के इलाज की आवश्यकता हो, तो हम ऐसी यहाँ पर व्यवस्था करने का हमारी योजना है कि वो यहाँ से एम्स में उनका भी आगे का फॉलोअप भी, आगे का इलाज भी वहाँ पर हो सके। आप सभी के आशीर्वाद से हमारा ये शिविर अत्यंत सफलता की ओर अग्रसर है, अभी चल ही रहा है। कम से कम 500 से 700 रजिस्ट्रेशन तो शिविर प्रारंभ होने के पहले ही हो गए हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 से 2500 से ज़्यादा भी संभावना है यहाँ पर मरीज चिकित्सा सुविधा का लाभ लेंगे। हमारे ये सोच है कि इतने बड़ा आयोजन जो है, मैं समझता हूँ कि भिलाई के क्षेत्र में ये पहली बार इतने बड़े शिविर का आयोजन आदरणीय हमारी राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी और हमारे भाई साहब जो छत्तीसगढ़ के हमारे समाज सेवी आदरणीय श्री राकेश पांडे जी के सौजन्य से उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम सब आयोजित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस शिविर का लाभ लें और लाभान्वित। बहरहाल चिकित्सा शिविर का लाभ सैकड़ों की संख्या में मरीजों द्वारा उठाया गया। इस तरह के चिकित्सा शिविर लगातार आयोजित करने की बातें आयोजकों द्वारा कही गई है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा भी यहां आए प्रत्येक मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया गया। सांसद सरोज पांडे ने एक एम्बुलेंस भी प्रदान करने की घोषणा की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।